अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की दिव्य तैयारियां बस पूरी होने वाली है। राम जन्मभूमि परिसर की शानदार सजावट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक चाक चौबंद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल है। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में इस दिन को लेकर खास तैयारी की जा रही है। जहां 22 जनवरी के दिन यूपी में ड्राई डे घोषित किया गया है, वहीं उत्तराखंड की सरकार ने भी इस दिन की पवित्रता को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। 22 जनवरी को उत्तराखंड में भी शराब नहीं मिलेंगी, बार भी ओपन नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि दिनांक 22 जनवरी को प्रदेश की सभी मदिरा की दुकानें, बार एवं डिपार्टमेंटल स्टोर आदि मदिरा उपभोग से संबंधित समस्त अनुज्ञापन कार्य अवधि तक बंद रहेंगे। इस बंदी के लिए कोई लाइसेंस धारी किसी प्रतिकार या दावे का हकदार नहीं होगा। साथ ही धामी सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि आदेश का पालन सख्ती से कराया जाए, यानी कि राज्य में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ड्राई डे रहेगा। बता दिए कि यूपी उत्तराखंड के साथ छत्तीसगढ़ और असम में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब की बिक्री पर बैन रहेगा। यूपी सरकार ने तो स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान किया हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने कई गणमान्य लोगों को न्योता भेजा है। अब करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है तो बस प्रभु श्री राम का वनवास खत्म होने और उन्हें घर में विराजमान होते देखने का।